Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss Zoology CSS past paper 2019 so that you can understand what kind of questions are asked in CSS subject Zoology paper. इसमें first question को हम discuss करेंगे जो कि है discuss emerging vector-borne zoonotic disease of the public health importance and describe the impact of climate change on vector-borne disease. Emerging vector-borne zoonotic diseases illness होती हैं जो कि इंसेक्ट्स की वजह से और दूसरे एनिमल्स की वजह से स्प्रेड हो जाती हैं और ह्यूमंस के अंदर दूसरे एनिमल्स के अंदर इसके सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है इन ह्यूमंस को और दूसरे जो एनिमल्स हैं. सो क्लाइमेट चेंज भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन वेक्टर्स को स्प्रेड करने के अंदर और इसके अलावा इसके हैबिटेट को भी हैबिटेट अगर चेंज होता है तो इसी जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इनके हैबिटेट भी चेंज हो जाता है. इमर्जिंग वेक्टर जो बोन ज़ूनेटिक इन्फेक्शन हैं डिजीज हैं उसमें हम सबसे पहले लाइम डिजीज को देखते हैं और लाइम डिजीज जो है ये टिक्स की वजह से स्प्रेड होती है. इसके अलावा ब्लैक लेग टिक होता है जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर मौजूद है. इसकी वजह से ये लाइम डिजीज प्रोड्यूस होती है और लाइम डिजीज जो है बैक्टीरिया की वजह से भी प्रोड्यूस होती है और इस बैक्टीरिया को बोरेला बार्क ब्लाइट फेरी कहते हैं. इसकी वजह से जो फैक्टर्स हैं जिस फैक्टर्स की वजह से ये अराइज होती हैं वो है लैंड यूज के अंदर चेंजेस और इसके अलावा हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से और क्लाइमेट की वजह से ये चेंज होता है. नेक्स्ट हम इन्फेक्शन को डिस्कस करते हैं जो कि वेस्ट नील इन्फेक्शन है. ये ट्रांसमिट होता है मॉस्किटोज की वजह से जो कि सीरियस ब्रेन डिजीज की वजह बन सकता है जो कि इससे ब्रेन से रिलेटेड इलनेस होती है डिजीज होती है ह्यूमंस के अंदर. तो ये जो है न्यू एरियाज के अंदर स्प्रेड हो जाता है और ज़्यादातर क्लाइमेट चेंज की वजह से ये स्प्रेड होता है मीन के क्लाइमेट की वजह से मॉस्किटो की हैबिटेट चेंज हो जाती है और इस तरह से जो ये इन्फेक्शन है ये वायरस है ये रिप्रोड्यूस हो जाता है और ज़्यादा एरियाज के अंदर स्प्रेड हो जाता है. नेक्स्ट हम डेंगी फीवर को देखते हैं. जो डेंगी फीवर है ये एड्स मॉस्किटो की वजह से स्प्रेड होता है और डेंगी जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर ज़्यादातर कॉमन है और क्लाइमेट चेंज जो है इन मॉस्किटोज को हेल्प करती है थ्राइव में इनके न्यू हैबिटेट्स के अंदर और एक्सटेंड कर देती है इन सीजंस को. सो व्हेन दे कैन स्प्रेड द डिजीज एंड लीडिंग टू मोर केसेस ऑफ द डेंगू. नेक्स्ट हम जीको वायरस देखते हैं. तो जीको वायरस जो है ऐसी डिजीज है जो कि एड्स मॉस्किटोज की वजह से फैलती है और जीका जो है इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये अपने ये अटेंशन गेन करती है क्योंकि ये लिव बर्थ डिफेक्ट्स के साथ जुड़ी है मीन के माइक्रोसेफेले के साथ ये लिंक है. सो क्लाइमेट चेंज जो है इफेक्ट करते हैं कि मॉस्किटोज की हैबिटेट क्या होगी और ये किस तरह से और किन एरियाज के अंदर स्प्रेड होंगे ये क्लाइमेट की वजह से होता है. देन उसके बाद है चिकनगुनिया जो फीवर है ये भी इसी की वजह से प्रोड्यूस होता है कि इट्स मॉस्किटोज की वजह से स्प्रेड होता है और ये इसके अलावा जॉइंट पेन की वजह बनता है. सो क्लाइमेट चेंज जो इन्फ्लुएंसेस है वो इन मॉस्किटोज के ऊपर इफेक्ट करता है इनके हैबिटेट के ऊपर और इफेक्ट करता है कि किस तरह से इन्होंने बिहेव करना है एंड हेल्पिंग द डिजीज स्प्रेड टू न्यू रीजन्स. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज के का इम्पेक्ट जो है वेक्टर बोर्न डिजीज के ऊपर. सो क्लाइमेट चेंजेस जो हैं वो टेम्परेचर को रेनफॉल के पैटर्न्स को चेंज कर देती हैं और इफेक्ट करती हैं डिजीज के स्प्रेड होने में लाइक जिस तरह के इंसेक्ट्स मॉस्किटोज की वजह से टिक्स की वजह से जो डिजीज जो है वो फैलती हैं और वार्म टेम्परेचर की वजह से भी ये वेक्टर्स एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर चले जाते हैं और जो कि डिजीज को फैलाने में अपना रोल प्ले करते हैं. इसके अलावा जो वेक्टर हैबिटेट सूटेबिलिटी है तो क्लाइमेट चेंज जो है इफेक्ट करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर लाइक ह्यूमिडिटी है रेनफॉल है और ये क्रिएट करते हैं बेटर हैबिटेट्स डिजीज के वेक्टर्स के लिए. सो दिस कैन लीड टू लार्जर पॉपुलेशन ऑफ दिस वेक्टर्स एंड हायर रेट्स ऑफ द डिजीज ट्रांसमिशन. नेक्स्ट जो डिजीज फैलती है वो इलनेस ट्रांसमिशन सीजन के चेंज होने की वजह से ये होती है कि अल्टर्ड जो कि डिजीज अल्टर्ड डिजीज ट्रांसमिशन सीजन है. सो क्लाइमेट चेंज जो है वो इनके स्प्रेडिंग जो टाइम है उसको इंक्रीज कर देता है और ये वेक्टर्स की वजह से ये डिजीज स्प्रेड होती हैं और लॉन्गर पीरियड्स होता है इनकी ट्रांसमिशन का. सो वार्मर टेम्परेचर जो है वो स्पीड अप कर देता है कि कैसे जो है पैथोजेंस क्विकली रिप्रोड्यूस होते हैं और वेक्टर्स के अंदर किस तरह से ये ग्रो करते हैं. सो नेक्स्ट हम इसके इकोलॉजिकल चेंजेस को देखते हैं.
तो क्लाइमेट चेंज जो है वो डिस्टर्ब करता है इकोसिस्टम्स को, और ये चेंज करता है कि किस तरह से स्पीशीज इंटैक्ट करती हैं। सो विच कैन इफेक्ट हाउ डिजीज स्प्रेड, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वाइल्ड लाइफ के अंदर चेंजेस आते हैं, वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन के अंदर या वेजिटेशन के ऊपर, तो ये इम्पेक्ट करता है डिजीज के रिजर्व के ऊपर भी और ट्रांसमिशन साइकिल्स के ऊपर भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम ह्यूमन का कंडक्ट, ह्यूमन का बिहेवियर या वल्नरेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। सो क्लाइमेट चेंज जो है वो इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, वल्नरेबिलिटी के ऊपर टू वेक्टर बोर्न डिजीज, मीन के जिस तरह के टेम्परेचर के अंदर या रेनफॉल के अंदर चेंजेस आते हैं जो कि आउटडोर एक्टिविटीज के ऊपर इफेक्ट करती हैं, और इसके अलावा जो है वेक्टर्स की एक्सपोजर्स के ऊपर इफेक्ट करती हैं। सो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो इम्पेक्ट करता है जो कि एक्सेस रखता है अपने हेल्थ केयर तक, और इसके अलावा ये डिजीज प्रिवेंटेशन मेयर्स के ऊपर भी इफेक्टेड आता है। सो जो इमर्जिंग वेक्टर बोर्न जोनेटेड डिजीज हैं वो पब्लिक हेल्थ के ऊपर सीरियस इफेक्ट रखती हैं, मीन के जो इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज का वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर या हैबिटेट की सूटेबिलिटी के ऊपर, डिजीज की ट्रांसमिशन डायनेमिक्स के ऊपर। तो इफेक्टिव जो सर्वेलियंस वेक्टर कंट्रोल मेयर्स हैं या अडाप्टेशन स्ट्रेटजीज हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, मिटिगेट करती हैं जो उन रिस्क को जो कि एसोसिएटेड होता है इन डिजीज के साथ इन क्लाइमेट इन चेंजिंग क्लाइमेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ द मेंबर्स ऑफ कॉर्डेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द हेमिकॉर्डेट्स एंड नेम फाइव हॉलमार्क्स शेयर्ड बाय ऑल कॉर्डेट्स एंड डिस्क्राइब फंक्शंस ऑफ ईच। सो कॉर्डेट्स एंड हेमिकॉर्डेट्स आर टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, दे शो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेज इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर्स, एनाटॉमी एंड लाइफ साइकिल। सो यहाँ हम इनके कंपेरिजन करेंगे कॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट्स को, और उनकी फीचर्स को डिस्कस करेंगे जो इन कॉर्डेट्स जो है वो शेयर करता है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं कॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट्स का। तो कॉर्डेट्स के अंदर जो है वो नोटोकॉर्ड मौजूद होती है जो कि फ्लेक्सिबल रॉड होता है इसकी डिवेलपमेंट के स्टेज में, और इसके अलावा इसमें डोर्सल जो है वो नर्व कॉर्ड होती है जो कि इसके अलावा जो फेरेंजियल स्लिट होता है या पाउचेस होते हैं इसकी लाइफ के किसी पॉइंट के ऊपर मौजूद होता है। इसके अलावा जो है इसके इसके अंदर जो है टेल पाई जाती है जो कि एक्सटेंड होती है उसकी एनस तक, और इसके अलावा इसमें एंडोस्टाइल पाया जाता है या थायरॉइड ग्लैंड भी इसको कह सकते हैं। और ये जो थायरॉइड ग्लैंड कॉर्डेट्स के अंदर पाया जाता है ये सिमिलर होता है उस थायरॉइड्स के जिस तरह का ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हम हेमिकॉर्डेट्स को देखते हैं और कंपेयर करते हैं इसको कॉर्डेट्स के साथ। सो जो हेमिकॉर्डेट्स है उसके अंदर कोई भी नोटोकॉर्ड मौजूद नहीं होती, और इसके अंदर जो है वो वेंट्रल बेली साइड एक नर्व कॉर्ड होती है जो कि डोर्सल भी नहीं होती, और इसके अंदर अगर हम फेरेंजियल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो वो लेस डेवलप होता है अगर कंपेयर करें इसको कॉर्डेट्स के साथ, और इसके अलावा इसमें कोई टेल भी मौजूद नहीं होती और जो कि एक्सटेंड हो एनस तक, और इसके अलावा इसमें एंडोस्टाइल भी नहीं होता है और ना ही कोई थायरॉइड ग्लैंड मौजूद होता है। नेक्स्ट हम की फीचर्स देखते हैं जो कि कॉर्डेट शेयर करता है। तो सबसे पहले जो है वो नोटोकॉर्ड है। तो नोटोकॉर्ड का फंक्शन हम देखते हैं कि नोटोकॉर्ड क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और इसके अलावा अटैचमेंट मसल के लिए भी साइट्स या प्लेस प्रोवाइड करती है, और इसके अलावा जो नोटोकॉर्ड वर्टिब्रेट्स के अंदर अपना फंक्शन प्ले करती है वो ये है कि ये बैकबोन की डिवेलपमेंट में हेल्प करती है। और नेक्स्ट हम देखते हैं डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड को और इसका फंक्शन को, कि ये जो है इसका फंक्शन ये है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है विच इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड इट हेल्प प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन कंट्रोल मूवमेंट्स। नेक्स्ट हम फेरेंजियल कॉर्ड्स या पाउचेस के फंक्शन को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो जो इसके फेरेंजियल स्लिट्स है इसका फंक्शन होता है फिल्टर फीडिंग को यूज करना, मीन के ये स्ट्रक्चर्स को जो है इसके स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफरेंट रोल्स होते हैं वेरियस कॉर्डेट्स के अंदर फिल्टर फीडिंग के लिए जिसको ये यूज करता है, और वर्टिब्रेट्स के अंदर ये जो है डेवलप होता है गिल्स के अंदर ताकि ब्रीदिंग के प्रोसेस को जो है मैनेज किया जा सके। इसके अलावा ये जॉ को सपोर्ट करता है मीन के इन फीडिंग के लिए जबड़ों को सपोर्ट करता है इस ऑर्गेनिजम्स के, और इसके अलावा ये जो एडोटी सिस्टम होता है ऑर्गेनिज्म का उसका भी पार्ट होता है मीन के एयर का भी पार्ट होता है। और नेक्स्ट जो है वो हम पोस्ट एनल टेल को डिस्कस करते हैं और इसके फंक्शन को। तो ये जो है हेल्प करती है मूवमेंट के अंदर और बैलेंस के अंदर स्पेशली जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं। सो मीन के ये प्रोपेलर के तौर पर एक्ट करती है, इसका जो मेन फंक्शन है स्विमिंग के लिए प्रोपेलर के तौर पर एक्ट करती है। और नेक्स्ट हम एंडोस्टाइल और या फिर थायरॉइड ग्लैंड का फंक्शन देखते हैं। तो नॉन जो वर्टिब्रेट होते हैं कॉर्डेट्स इसमें जो एंडोस्टाइल है वो हेल्प करता है फिल्टर
फीडिंग में मीन के प्रोड्यूस करता है ये म्यूकस फूड को ट्रैप करने के लिए। और वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, इट बिकम्स थायराइड ग्लैंड एंड विच रेगुलेट्स मेटाबोलिज्म एंड हार्मोन प्रोडक्शन। मीन के थायराइड ग्लैंड के अंदर ये जो है वो रेगुलेट करता है मेटाबोलिज्म को और हार्मोन को भी रेगुलेट बनाता है, हार्मोन की प्रोडक्शन को। सो ये जो है इनके फाइव फीचर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो कि डिफाइन करते हैं कोर्डेट्स को। एंड दीज फीचर्स अपीयर इन सम फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। सो दे कंट्रीब्यूट टू द डाइवर्स बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड अडॉप्टेशंस फाउंड विद इन द कोर्डेट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री को, जो कि है What is the difference between bird migration and navigation, and discuss navigation or resources used by different bird species in long distance migration. So bird की migration और navigation को जो है discuss करें तो ये closely related हैं, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये birds के behavior के उसके किसी aspects के अंदर involve होते हैं। और यहाँ पर हम simple इनका comparison करेंगे कि किस तरह से birds जो है वो अपना way find करते हैं अगर उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस तक माइग्रेट करना हो तो। बर्ड की माइग्रेशन और नेविगेशन को हम कंपेयर करते हैं। सो बर्ड की जो माइग्रेशन क्या है कि माइग्रेशन इज द सीजनल मूवमेंट ऑफ द बर्ड बिटवीन ब्रीडिंग एंड नॉन ब्रीडिंग एरियाज। ठीक है, माइग्रेशन जो है वो एक सीजनल मूवमेंट है जो बर्ड की जो कि ब्रीडिंग और नॉन ब्रीडिंग एरियाज के दरमियान होती है, और ज़्यादातर ये लॉन्ग डिस्टेंसिस पर होती है। अगर हम इसके पर्पज़ की बात करते हैं तो ये है कि जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करते हैं क्योंकि उनके रिसोर्स अवेलेबिलिटी के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, मीन के जिस तरह वेदर के अंदर चेंजेस आ जाते हैं या और उनके जो ब्रीडिंग नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से बर्ड्स को एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर माइग्रेट करना पड़ता है। फेजेस इसके देखते हैं कि जो माइग्रेशन है उसके अंदर इनकी प्रिपरेशन होती है, सबसे पहले जो खुद को प्रिपेयर करते हैं माइग्रेट करने के लिए, देन इसका जो है डिपार्चर जब पॉइंट आता है उसके बाद ट्रेवल करते हैं, और फिर उसके बाद नेविगेशन करते हैं, और लास्ट पर फिर अपनी डेस्टिनेशन पर ये पहुंच सकते हैं। अगर हम इनकी टाइमिंग की बात करें तो बर्ड जो है वो माइग्रेट होते हैं स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर, मीन के ये फॉलो करते हैं कंसिस्टेंट रूट्स को, और अपने लॉन्ग डिस्टेंसिस की अगर हो तो फिर उसको वहाँ पर जो है एक स्पेसिफिक साइट जो बनी होती है वहाँ पर ये स्टॉप भी करते हैं सेम साइट्स के ऊपर, और फिर इसके बाद ये अपनी जो डेस्टिनेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। उसके बाद हम इसकी बर्ड की नेविगेशन की अगर हम बात करें तो नेविगेशन क्या है, नेविगेशन इज द एबिलिटी ऑफ द बर्ड्स टू ओरिएंट देमसेल्फ एंड फाइंड देयर वे एक्यूरेटली ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ड्यूरिंग माइग्रेशन। ठीक है, नेविगेशन बर्ड्स की यस एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो अपने वेज को अपने रूट्स को अपने डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस में अपने माइग्रेशन के दौरान। सो इसका पर्पस क्या होता है कि नेविगेशन जो है वो हेल्प करती है बर्ड्स को माइग्रेशन रूट्स को फॉलो करने में, और इसके अलावा ये फाइंड आउट करते हैं कि स्टॉप साइट्स कहाँ पर होंगी, और इस तरह से इसे अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। नेविगेशन जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, नेविगेशन के अंदर जो है सेंसरी अक्यूज इन्वॉल्व होते हैं, मेंटल मैप्स होते हैं, इसके अलावा इंस्टिंक्ट होता है जो कि डिटरमाइन करता है इनकी पोजीशन को और इनकी डायरेक्शन को। नेक्स्ट हम इनके नेविगेशन रिसोर्सेज को डिस्कस करते हैं जो कि बर्ड्स यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस माइग्रेशन में, तो इसमें सेलेस्टाइल जो क्यूज आता है इसमें बर्ड्स जो हैं वो सन की पोजीशन को यूज करते हैं डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में, और अपने एंगल को ये नोट करते हैं, और जो कि और इसके अलावा हाइट को भी ये नोट करते हैं स्काई के अंदर। और स्टार्स में क्या होता है कि बर्ड्स जो है वो माइग्रेट करते हैं अगर नाइट के वक्त, तो फिर ये स्टार की पैटर्न को यूज करते हैं मीन जिस सच एज द रोटेशन अराउंड द नॉर्थ स्टार टू गाइड देम। एंड अदर इज जियो मैग्नेटिक फील्ड, बर्ड्स जो है वो स्पेशल सेंसर्स रखते हैं डिटेक्ट करने के लिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को, और ये यूज करते हैं इसको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को खुद को ओरिएंट करने के लिए मैग्नेटिक लाइंस के साथ, और इस तरह से बर्ड जो है वो मैग्नेटिक एनोमलीज या ग्रेडियंट्स को यूज करते हैं ताकि इनके प्रिसाइज जो नेविगेशन है उसको मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं विजुअल लैंडमार्क्स को, तो बर्ड्स जो हैं ये डिपेंड करते हैं नेचुरल माइलस्टोन्स के ऊपर, नेचुरल लैंडमार्क्स को ये फॉलो करते हैं जो कि फेमिलियर होती हैं लाइक कोस्ट लाइन है या रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं या दूसरे जो जियोग्राफिक फीचर्स हैं इनको यूज करते हैं। सो दिस लैंडमार्क्स हेल्प देम स्टे ऑन कोर्स स्पेशली ड्यूरिंग द डे। और नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल्फैक्टरी क्यूज को, तो कुछ बर्ड्स जो हैं वो यूज करते हैं स्मेल को, और ये स्मेल जो है एसोसिएटेड होती है उनके ब्रीडिंग या फिर विंटिंग एरियाज के साथ।
जो कोई उनकी नेविगेशन में हेल्प करती है। सो जो सेंट क्यूज हैं ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं सर्टेन स्पीशीज के लिए। नेक्स्ट हम इसके इनेट इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस को डिस्कस करते हैं। सो जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो कुछ इनमें से माइग्रेटरी बर्ड जो हैं वो बर्न होते हैं इंस्टिंक्ट्स के साथ में, इनके जो कोई उनको माइग्रेशन के अंदर गाइड करता है। ये जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं ये रिफाइन करते हैं उनके एक्सपीरियंस को। यंग बर्ड्स जो हैं वो अपने रूट्स को किस तरह से फॉलो करना है, इस तरह से वो अपने जो पेरेंटल बर्ड्स होते हैं यानी ओल्डर बर्ड्स होते हैं उनसे सीखते हैं, और स्टॉक ओवर साइट्स के ऊपर स्टे करने के लिए भी जो है अपना एक्सपीरियंस हासिल करते हैं ओल्डर बर्ड से, और इस तरह से किस तरह से रूट्स के ऊपर पास होना है, और सो जो नेविगेशनल जो नॉलेज है वो अपने ओल्डर बर्ड से गेन करते हैं। सो बर्ड्स माइग्रेशन जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मूवमेंट्स जो है हैबिटेट्स और हैबिटेट्स के दरमियान मूवमेंट्स होती है जो नेविगेशन को यूज करते हुए अपने वेज को अपने रूट्स को ये फाइंड आउट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक। सो बर्ड्स जो है वो यूज़ करते हैं कम्बिनेशन ऑफ सन एंड स्टार पोजिशन, इसके अलावा ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं, विजुअल लैंडमार्क्स को यूज़ करते हैं, स्मेल्स को यूज़ करते हैं, और इसके अलावा इनहेरिट नॉलेज को भी यूज़ करते हैं नेविगेट करने के लिए। सो ये अपने इंश्योर करते हैं सक्सेसफुल जर्नी को जो कि ब्रीडिंग और नॉन ब्रीडिंग एरियाज के दरमियान होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, दैट इज हाउ जीन म्यूटेशन डिफर्स फ्रॉम द क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड डिस्कस द टाइप ऑफ म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर अ न्यू वेरिएशंस ऑफ द ट्रेट। सो जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एब्रेशन जो है वो इसमें टू टाइप्स के जेनेटिक चेंजेस इंक्लूड होती हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स के डीएनए के अंदर होती हैं, और ये जो चेंजेस हैं अपने स्केल के और स्कोप के अंदर भी डिफरेंस हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। सो हम यहाँ पर इसके डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस को डिस्कस करेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है न्यू वेरिएशंस ऑफ द ट्रेट्स के लिए। सो हम कंपेयर करते हैं सबसे पहले जीन म्यूटेशंस को क्रोमोसोमल एब्रेशन के साथ। तो जीन म्यूटेशंस में हम देखते हैं कि ये क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। जीन म्यूटेशंस रेफर्स टू अ चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विद इन अ जीन विच कैन अल्टर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इनकोडेड प्रोटीन। इनके जीन म्यूटेशन से मुराद ये है कि जीन के अंदर ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंजेस लाते हैं जो कि इनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को अल्टर कर सकते हैं इनकोडेड प्रोटीन्स को। और इसके बाद अगर हम इसकी स्केल को देखें तो जीन म्यूटेशन जो हैं वो इंडिविजुअल जीन्स के लेवल पर ही होती हैं, और ये मोडिफिकेशन होती हैं डी एन ए के सीक्वेंस के अंदर में इनके स्पेसिफिक जीन या किसी भी जीन के बाद। और नेक्स्ट हम इसके इफेक्ट देखते हैं। जीन म्यूटेशंस जो हैं वो रिजल्ट होती हैं चेंजेस लाने के लिए सिंगल प्रोटीन्स के ऊपर प्रोटीन्स में या फिर बायोकेमिकल पाथवे के अंदर चेंजेस लाती हैं। सो ये इफेक्ट करते हैं स्पेसिफिक ट्रेट्स के ऊपर इफेक्ट करती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स हैं इनको म्यूटेड जीन से ही कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो जिस तरह पॉइंट म्यूटेशंस है, पॉइंट म्यूटेशंस के अंदर सब्स्टिट्यूशन आता है, इंसर्शन आता है, डिलीशन है, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, इसके अलावा मिससेंस म्यूटेशंस है, ये सारे जीन म्यूटेशंस के एग्जांपल्स हैं। और नेक्स्ट हम क्रोमोसोमल एब्रेशन को देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं कि क्रोमोसोमल एब्रेशन जो है रेफर्स टू चेंजेस इन द स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स विद इन अ सेल। मीन क्रोमोसोमल एब्रेशन से क्या मुराद है कि क्रोमोसोम्स की तादाद और उसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस सेल के अंदर जो कि इफेक्ट करता है जीन्स की एक्सप्रेशंस के ऊपर, और इस तरह से नॉर्मल जो सेल का फंक्शन है उसको भी डिस्टर्ब कर देता है। नेक्स्ट इसका स्केल देखते हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं चेंजेस में जो कि एंटायर क्रोमोसोम्स के अंदर लाते हैं या फिर लार्ज पोर्शन है क्रोमोसोम्स का, और इफेक्ट करती हैं ये मल्टीपल जीन्स के ऊपर सिमल्टेनियसली, ये इफेक्ट करती हैं एक साथ यानी कि बहुत सारे जीन्स के ऊपर इफेक्ट करती हैं। सो क्रोमोसोमल एब्रेशन के इफेक्ट देखें तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स की तरफ लेकर जाती हैं जो कि डेवलपमेंटल एनोमेलीज हैं या फिर फिनोटाइप के अंदर चेंजेस लाती हैं। सो ड्यू टू अल्टरेशन इन जीन डोजेज एंड जीन एक्सप्रेशन पैटर्न सो एंड क्रोमाटिन स्ट्रक्चर। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। क्रोमोसोमल वेरिएशन जो है इसके अंदर डिलीशन है, डुप्लीकेशन है, इन्वर्शन है, ट्रांसलोकेशन और एनोप्लोइडी जिसमें ट्राइसोमी और मोनोसोमी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ चेंजेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू वेरिएशन ऑफ द ट्रेट। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट म्यूटेशंस को देखते हैं। पॉइंट म्यूटेशंस इन्वॉल्व चेंजेस इन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस विद इन अ जीन लीडिंग टू डिफरेंट आउटकम्स सच एज मिससेंस म्यूटेशंस, नॉनसेंस म्यूटेशंस और साइलेंट म्यूटेशंस। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशंस जो है वो ये इन्वॉल्व होती है मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज लाती है सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस में जीन के अंदर, और
ये डिफरेंट आउटकम्स की तरफ लेकर जाते हैं। इनके मिसेंस म्यूटेशन हो सकती है जिसकी वजह से, और नॉनसेंस म्यूटेशन हो सकती है, या फिर साइलेंट म्यूटेशन हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंजर्शन और डिलीशंस को। सो इंजर्शन जो है वो एड करते हैं वन और मोर न्यूक्लियोटाइड बेस डीएनए सीक्वेंस के अंदर, जबकि डिलीशंस जो है वो न्यूक्लियोटाइड बेसिस को रिमूव करता है। जो जो चेंजेस आते हैं वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह बनते हैं, जो कि अल्टर कर देते हैं जीन के रीडिंग फ्रेमवर्क को भी, और फिर इसके नतीजे में क्या होता है, जो प्रोटीन बनती है, प्रोटीन प्रोडक्ट बनता है, वो इससे डिफरेंट होता है। जीन जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं डीएनए से, उस तरह की प्रोटीन नहीं बनती। तो इन चेंजेस की वजह से, इंसर्शन या डिलीशन की वजह से, और जो प्रोटीन का प्रोडक्ट है वो डिफरेंट टाइप का बन जाता है। नेक्स्ट हम जीन डुप्लीकेशन को देखते हैं। तो जीन जो डुप्लीकेशन है ये क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स की वजह से होती है, या फिर अगर रेप्लिकेशन के अंदर कोई एरर्स आ जाता है तो जीन डुप्लीकेट हो जाता है, मीन के मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं जीन की जीनोम के अंदर। सो डुप्लीकेटेड जीन जो है वो अकामुलेट करते हैं म्यूटेशंस को टाइम के साथ साथ, और फिर न्यू ट्रेट्स या फिर वेरिएशंस की तरफ लेकर जाता है जीन एक्सप्रेशन में। और क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स की बात करते हैं, क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट जैसा कि इन्वर्जन है, ट्रांसलोकेशन है, जो डुप्लीकेशन इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो ये स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देते हैं, और इसके साथ जीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को भी क्रोमोसोमल की रीअरेंजमेंट चेंज कर देती हैं। सो दिस चेंजेस में डिसरप्ट जीन रेगुलेशन, क्रिएट फ्यूजन जीन्स, आर लीड टू द लॉस और गेन ऑफ द जेनेटिक मटीरियल। नेक्स्ट हम देखते हैं जीन स्ट्रीम एंड लेवल क्वालिटी ट्रांसफर को, मीन जीन्स फ्लो एंड हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। सो जीन फ्लो जो है पॉपुलेशन के दरमियान, और हॉरिजॉन्टल जीन्स के दरमियान ये ट्रांसफर होता है स्पीशीज को, और फिर इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोड्यूस करता है स्पीशीज के अंदर न्यू जेनेटिक वेरिएशंस, और ट्रांसफर करके जीन्स को या फिर जेनेटिक एलिमेंट्स को जीनोम्स के दरमियान। जो ये जो मैकेनिज्म है ये पार्टिकुलर इम्पोर्टेंट होता है प्रोक्रिएट्स के अंदर, और कंट्रीब्यूट करता है रैपिड अडॉप्टेशन के अंदर एवोल्यूशन में। मीन जो जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एब्रेशन जो है ये एसेंशियल रोल प्ले करते हैं जेनेटिक जनरेट करने में जेनेटिक वेरिएशंस को, और ये ड्राइव करती हैं एवोल्यूशन को, मीन के इंट्रोड्यूस करती हैं चेंजेस इन द डीएनए के अंदर, सीक्वेंस के अंदर, और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, डिस्कस सेक्सुअल एंड असेक्सुअल प्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ एंड एक्सप्लेन पार्थेनोजेनेसिस। सो प्रोटोजोआ जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें डिफरेंट वेज होते हैं टू मेक मोर ऑफ देम सेल्स, इंक्लूडिंग सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मेथड्स। ठीक है, सेक्सुअल और असेक्सुअल मेथड्स दोनों को हम यहाँ पर प्रोटोजोआ के अंदर जो होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, और पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस को भी। सो सबसे पहले हम सेक्सुअल और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम प्रोटोजोआ के अंदर देखते हैं। सो नॉन सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है प्रोटोजोआ के अंदर उसमें बाइनरी फ्यूजन होता है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि प्रोटोजोआ जो है रिप्रोड्यूस होते हैं स्प्लिटिंग से, मीन के हाफ में वो स्प्लिट हो जाते हैं, और फिर ऐसे टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन जाते हैं, और फिर ये जो डॉटर सेल्स हैं ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर मीन के ग्रो करके इसमें चेंज हो जाते हैं। और नेक्स्ट हम इसके सेकेंड पॉइंट देखते हैं जो कि मल्टीपल फ्यूजन है, मल्टीपल फ्यूजन और न्यूमरस फ्यूजन। सो सम प्रोटोजोआ जो हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं डॉटर सेल्स में, और फिर ये कंडीशंस जो है वो टफ होती है, या फिर न्यूट्रिएंट्स या फिर स्कॉर्स की वजह से। नेक्स्ट हम इसके बडिंग के प्रोसेस को देखते हैं। बडिंग क्या होता है, इसमें एक समाल ग्रोथ होती है पेरेंट सेल के ऊपर, और इसके क्या होता है फिर ये जो ग्रोथ पेरेंट सेल के ऊपर होती है ये फिर उससे अलहदा हो जाती है, मीन ब्रेक ऑफ हो जाती है, और इसे एक न्यू डॉटर सेल बन जाता है, और न्यू डॉटर सेल फिर ये ग्रो करके कम्प्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज हो जाता है। और नेक्स्ट हम इसके देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होती है। तो इसमें जो है कंजुगेशन होता है, मीन के जिसमें कंजुगेशन ऐसा प्रोसेस है प्रोटोजोआ के अंदर जिसमें जेनेटिक मटेरियल एक ब्रिज के जरिए ट्रांसफर हो जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर के दौरान जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। सो इस प्रोसेस को कंजुगेशन कहते हैं, और ये इंक्रीज कर देता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को पॉपुलेशन के अंदर, और जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है इसके अंदर जो वेरिएशन आती हैं मीन के जेनेटिक वेरिएशन आती हैं ये भी इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में और उनको हेल्दी रखने में भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो गैमेट फ्यूजन है कुछ प्रोटोजोआ के अंदर जो सेक्स सेल्स हैं वो उनको गैमेट्स कहा जाता है, जो कि एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान, और एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते हैं, और ये न्यू ऑर्गेनिज्म जो क्रिएट होता है ये डाइवर्स जेनेटिक्स के साथ क्रिएट होता है।
नेक्स्ट हम प्रोसेस को डिस्कस करते हैं जो कि है पैथिनोजेनेसिस का। पैथिनोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन वेयर ऑफस्प्रिंग डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग विदाउट नीडिंग स्पर्म। ठीक है, पैथिनोजेनेसिस प्रोसेस ऐसा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जहाँ पर ऑफस्प्रिंग तो डेवलप होते हैं लेकिन ये अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं। सो इस तरह का जो वेरियस ऑर्गेनिजम्स के अंदर इस तरह का फिनोमेना होता है और जिसमें प्रोटोजोआ भी इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट एग एक्टिवेशन है। सो पैथिनोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट होती है जब अनफर्टिलाइज्ड एग एक्टिवेट हो जाता है। दैट इज ऑफन ट्राइगर्ड बाय एनवायरमेंटल क्यूज और हार्मोन्स, मीन के हार्मोन्स की वजह से या कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से यह स्टार्ट हो सकता है। और डिवेलपमेंट अगर हम देखें तो एक्टिवेटेड एग जो है वो ग्रो करते हैं और डिवाइड हो जाते हैं और उस वक्त तक डिवाइड होते हैं जब तक ये फुली ऑफस्प्रिंग जो है फुली ग्रो नहीं करता। और नेक्स्ट हम इसकी हेरिडिटरी वेरिएशन या फिर जेनेटिक वेरिएशन को देखते हैं। अगर जो है पैथिनोजेनेसिस जो है वो इसके अंदर कोई मेल पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन जेनेटिक वेरिएशंस इसके अंदर होती हैं। वो जेनेटिक वेरिएशंस जो है वो म्यूटेशंस की वजह से आती हैं या फिर जीन शफलिंग की वजह से आती हैं। और ये जो म्यूटेशन है ये सेल डिवीजन के दौरान होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रीजनरेटिव प्रोसीजर को जो कि प्रोटोजोआ के अंदर होता है। सो प्रोटोजोआ के अंदर जो प्रोसेस है अडाप्टेशन का, रिप्रोडक्शन जो है वो हेल्प करते हैं प्रोटोजोआ को क्विकली ग्रो करने में, इनकी पॉपुलेशन को, और अडॉप्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंट्स, एनवायरमेंट्स को जो इसके एनवायरमेंट्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनको अडॉप्ट करने में भी हेल्प करती है। इस तरह से सर्वाइवल को ये इंश्योर करती है। और जेनेटिक अगर हम इसकी डाइवर्सिटी को देखते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ऐड करती है जेनेटिक वैरायटी मिक्सिंग जीन्स के थ्रू। सो जो ये प्रमोट करती है इस तरह से पॉपुलेशन के अंदर डाइवर्सिटी को और इनेबल करती है एवोल्यूशनरी चेंजेस को। और नेक्स्ट हम इसके रिप्रोडक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हैं या रीजेनेटिव फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हैं। सो प्रोटोजोआ जो हैं वो डिफरेंट रिप्रोडक्टिव मेथड्स को यूज़ करती हैं जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, एनवायरमेंटल क्यूज की बिना पर होता है, दैट अलाउ देम टू थ्राइव इन वेरियस हैबिटेट्स। सो कुछ जो प्रोटोजोआ के अंदर जो है ये वेरियस रिप्रोडक्टिव मेथड यूज होते हैं जिसके अंदर हमने डिस्कस किया सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड्स को, दैट इंश्योर टू देयर सर्वाइवल एंड सक्सेस इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। सो पैथिनोजेनेसिस इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन दैट लेट्स अप ऑफस्प्रिंग दैट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। दिस ट्राइप्लॉइड मोजिक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है कि फ्लूइड मोजिक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है डिस्क्राइब करना है और मूवमेंट्स जो है डिफरेंट टाइप्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस होती हैं उसको हमने डिस्कस करना है। सो जो फ्लूइड मोजिक मॉडल है ये वाइडली एक्सपेक्टेड आइडिया है जो कि एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स के वर्क करते हैं। और इसको सिंगर और निकोलसन ने 1972 में प्रपोज किया था। और इस मॉडल ने जो है सेल मेम्ब्रेन के मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है उसको चेंज कर दिया है। सो हम यहाँ पर इस मॉडल को डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। सो इस मॉडल के अंदर जो फ्लूडिटी है, सो ये मॉडल कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड लेयर की तरह है जो कि फॉस्फोलिपिड से बना होता है जहाँ पर लिपिड मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं फ्रीली। और फ्लूडिटी जो है वो फ्लेक्सीबिलिटी को अलाउ करती है, मीन के डायनेमिक इंटरेक्शंस होता है मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स के दरमियान। नेक्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो मेम्ब्रेन है वो डिस्क्राइब होता है एक मोजिक डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के तौर पर जिसमें लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड होते हैं और ये एक मिक्स पैटर्न में अरेंज होते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये डाइवर्स फंक्शंस की तरफ लेकर जाती है और इसके अलावा ये मेम्ब्रेन के प्रॉपर्टीज को भी डिस्क्राइब करती है। लिपिड बायलेयर क्या है, मेन पार्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है वो डबल लेयर है फॉस्फोलिपिड्स की जो जिसके साथ फॉस्फेट हेड्स होता है और ये फेस करता है जो आउटवर्ड यानी इन्वायरमेंट होता है वाटरी इन्वायरमेंट होता है। इसको जो है वो वाटरी जो इन्वायरमेंट इसको फेस करना पड़ता है, मीन के इसकी जो डबल लेयर है तो इसके सबसे ऊपर वाले जो लेयर है उसको ये फेस करता है। और फैटी एसिड टेल्स जो है इसकी फैटी एसिड टेल जो है इसको वाटर से दूर रखती है। और नेक्स्ट हम इंटीग्रल प्रोटीन्स को देखते हैं। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है वो लिपिड बाय लेयर के अंदर एम्बेडेड होती है और इंटायर लेयर जो है ये स्पेनिंग होती है उसकी एक साइड से दूसरी साइड की तरफ। सो ये जो प्रोटीन्स हैं ये वेरियस फंक्शन सर्व करते हैं, मेन के ट्रांसपोर्ट करते हैं और सेल की सिग्नलिंग करते हैं। नेक्स्ट हम पेरिफेरल प्रोटीन्स को देखते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो है वो एसोसिएटेड होती है मेम्ब्रेन्स के साथ जो कि लेकिन एसोसिएटेड होती है और प्रोटीन्स ये मेम्ब्रेन जो है एम्बेडेड नहीं होती।
इसके अलावा ये मेम्ब्रेन अटैच होती है सर्फेसिस के साथ, इनके इंटीग्रल प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, या फिर लिपिड मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। नेक्स्ट हम कार्बोहाइड्रेट चेन्स को डिस्कस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट चेन्स जो है वो प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं, इनके ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है या ग्लाइकोलिपिड्स होता है जो कि मेम्ब्रेन के आउटर सर्फेस के ऊपर होता है। सो ये जो कार्बोहाइड्रेट चेन्स है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल को रिकॉग्नाइज करने में, इसके अलावा सेल्स के एडिशन में, और इसके अलावा सिग्नलिंग के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस होते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है ये सब्सटेंसेस को मूव कराती है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, और इसको जो है किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, मीन विदाउट एनर्जी ये ट्रांसपोर्ट करती है। और इसके अलावा जिसके अंदर जो प्रोसेस इंक्लूड होते हैं इस ट्रांसपोर्ट में वो डिफ्यूजन का प्रोसेस है और फैसिलिटेटरी डिफ्यूजन का प्रोसेस है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एनर्जी की जरूरत होती है, मीन एटीपी उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है जो सब्सटेंसेस को मूव कराने के लिए अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मीन इसमें हम एग्जाम्पल्स देखते हैं जिस तरह के सोडियम पोटाशियम पंप है, वो उसको एटीपी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट को सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और एंडोसाइटोसिस हम देखते हैं जिसमें सेल्स जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल टेक करते हैं, या फिर लार्ज पार्टिकल्स भी टेकअप कर सकते हैं जिसमें वेजिकल्स बन जाती हैं, और ये वेजिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ड्राइव्ड होती हैं। और इसके अंदर जो टाइप्स इंक्लूड हैं वो फेगोसाइटोसिस का है और पिनाकोसाइटोसिस का है। सो एक्सोसाइटोसिस जो है इसमें सब्सटेंसेस रिलीज होती हैं सेल से और ये मर्जिंग करते हैं वेजिकल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। So this is used to release enzymes and other cell products into the environment. Next हम इसके ion channel transport को देखते हैं। तो ion channels जो हैं ऐसी protein channels होते हैं membrane के अंदर जो कि specific ions को allow करते हैं pass होने के लिए इससे, और ये involve होता है rapid movement के अंदर, mean ions की rapid movement होती है membrane के across due to changes in membrane potential for ligand. सो अंडरस्टैंडिंग जो फ्लूइड मोशन मॉडल की है वो ये है, और मूवमेंट्स की क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दौरान, तो ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ प्रोसेस को, मीन कि अगर हम इस मॉडल को अंडरस्टैंड करते हैं तो इसकी वजह से दूसरे प्रोसेस को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मीन जिस तरह के सेल बायोलॉजी है जिसमें सिग्नलिंग आता है, न्यूट्रिएंट अपटेक आता है, इस तरह वेस्ट का रिमूवल होता है, और फिर सेल कम्युनिकेशन आता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की, और जिसमें जनरल पाथवे डिस्क्राइब करना है इंफॉर्मेशन के फ्लो के लिए जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर होता है। मीन डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, डिस्क्राइब जनरल पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स जो हैं ये स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम बनाते हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स के अंदर आते हैं, मीन के हर एक का अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हम सिंपली एक्सप्लेन करेंगे इसकी स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शंस को, न्यूरॉन्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं अलोंग जनरल पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द नर्वस सिस्टम। सो सेंसरी न्यूरॉन्स को हम डिस्कस करते हैं पहले। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि इसके अंदर लॉन्ग डेंड्राइट्स पाए जाते हैं जो कि रिसीव करते हैं सेंसरी इनपुट्स को, और सिंगल एक्सॉन जो है वो सेंड करते हैं सिग्नल जो है इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, लाइक टच है या टेम्परेचर है या पेन है, तो सेंसरी रिसेप्टर्स से ये इसको इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाते हैं मजीद प्रोसेसिंग के लिए। नेक्स्ट हम इंटर न्यूरॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो इंटर न्यूरॉन्स की जो स्ट्रक्चर है वो इंटायरली लोकेटेड होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और इसमें शॉर्ट डेंड्राइट्स एक्सॉन्स होते हैं। और ये फंक्शन किस तरह से इंटर न्यूरॉन्स परफॉर्म करते हैं, तो ये इंटीग्रेट करते हैं और सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं जो कि उनको सेंसरी न्यूरॉन से रिसीव होती है, और ये रिले करते हैं सिग्नल्स को मोटर न्यूरॉन्स की तरफ या दूसरे इंटर न्यूरॉन्स की तरफ। नेक्स्ट हम इसके जो है कोऑर्डिनेटिंग जो रिस्पॉन्स है मोटर न्यूरॉन्स का उसको देखते हैं। मोटर न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, मोटर न्यूरॉन्स जो है ये सेल बॉडीज इनके अंदर होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और लॉन्ग एक्सॉन्स रखते हैं जो कि एक्सटेंड करता है ये पेरिफेरल टिश्यूज को लाइक मसल। मोटर न्यूरॉन्स जो है वो इनका फंक्शंस की बात करें तो ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ, और इनिशिएट करते हैं ये मोटर रिस्पॉन्सिस को, ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कंट्रोलिंग वॉलंटरी मूवमेंट्स को, ऑटोनॉमिक फंक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं जिस तरह के अंदर इसमें आता है हार्ट रेट है और डाइजेशन है। नेक्स्ट हम जनरल पाथवे देखते हैं इंफॉर्मेशन की फ्लो का जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर होता है। सो सेंसरी इनपुट
सेंसरी रिसेप्टर जो है वो डिटेक्ट करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, मीन के जिसमें टच है, लाइट है, साउंड है, या फिर इंटरनल कंडीशंस है, फॉर एग्जांपल जिस तरह टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, इनको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर, जिसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं इन एक्शंस को वो इन एक्शन पोटेंशियल्स को कैरी करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाते हैं एक्सॉन्स के थ्रू। नेक्स्ट इसका प्रोसेस आता है इस इंफॉर्मेशन के इंटीग्रेशन का। सो इंटर न्यूरॉन्स जो हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर वो इंटीग्रेट करते हैं और प्रोसेस करते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन को, और रिले करते हैं ये उन सिग्नल्स के ऊपर जो कि डिफरेंट एरियाज के दरमियान होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, एंड देन अलाउ फॉर कम्प्लेक्स प्रोसेसिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिस्पॉन्सेज। सो नेक्स्ट हम मोटर आउटपुट देखते हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो रिसीव करते हैं प्रोसेस सिग्नल्स को इंटर न्यूरॉन्स से और जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल, जो कि ट्रेवल करते हैं एक्सॉन्स के अलोंग और इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ। ये ट्रेवल करते हैं मीन जिस तरह के मसल्स हैं या ऑर्गन्स हैं, ये इफेक्टर ऑर्गन्स हैं, इस तरह से जनरल एक्शन जो है जो पोटेंशियल है वो ट्रेवल करते हैं। और सो एज अ रिजल्ट जो मोटर न्यूरॉन सिग्नल्स हैं मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या फिर रिलैक्स होते हैं, और ऑर्गन्स रिलीज केमिकल्स को रिलीज करते हैं या दूसरे जो सब्सटेंसेस हैं उनको रिलीज करते हैं, और इस तरह से एक मोटर रिस्पॉन्स इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। फीडबैक लोब्स की बात करते हैं। सो नर्वस सिस्टम के अंदर जो फीडबैक लोब्स हैं वो इनेबल करते हैं कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और एडजस्टमेंट्स को ऑफ रिस्पॉन्सेज के, जो सेंसरी इनपुट और ऑनगोइंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस के रिस्पॉन्स मतलब इसके रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। सो जो फीडबैक है वो मेंटेन करते हैं होम्योस्टेसिस को और अडॉप्ट करते हैं चेंजिंग जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर आती हैं। सो डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूरॉन्स हैं वो स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं ट्रांसमिशन के अंदर और इन्फॉर्मेशन के प्रोसेसिंग के अंदर नर्वस सिस्टम में। सो सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो रिले करते हैं सेंसरी के ऊपर मीन सेंसरी इनपुट जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दी जाती है, और इंटर न्यूरॉन्स कोऑर्डिनेट करते हैं और प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को, और जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं मोटर रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करने के लिए। सो टुगेदर दीज न्यूरॉन्स फॉर्म इंटरकनेक्टेड पाथवे दैट अलाउ फॉर रैपिड कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द फंक्शंस थ्रू आउट द बॉडी। सो आज के लेक्चर में हमने 2018 के सी एस एस सब्जेक्ट फिजियोलॉजी के अंदर उनके पास पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चन है जिसको डिटेल के से स्टडी किया, और नेक्स्ट हम जो है दूसरे पास पेपर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे।